चंद्रपुर जिला कारागृह में बंदी बांधव के लिए पथनाट्य द्वारा व्यसन मुक्ति, जल जागृति साथ ही पर्यावरण संतुलन महत्व पर कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। चंद्रपुर जिला कारागृह में बंदी बांधव के लिए कारागृह तथा स्वावलंबी बहुउद्देशीय पर्यावरण संरक्षण सेवा समिति मूल और नशाबंदी मंडल इनके संयुक्त तत्वाधान में पथनाट्य द्वारा व्यसन मुक्ति जन जागृति साथ ही पर्यावरण संतुलन महत्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में अध्यक्ष के तौर पर वैभवात्राम, प्रभारी अधीक्षक कारागृह तो प्रमुख मार्गदर्शक वीरेंद्र मेश्राम, जिला संघटक नशाबंदी मंडल तथा संचालक स्वावलंबी प्रकल्प मूल संस्था के नेहा वीरेंद्र मेश्राम, अविनाश मेश्राम, कला पथक प्रमुख पथनाट्य कलाकार सुरेंद्र बोरकर, महेश मंडल पार, सोनाली पुसाम, रूपाली ठाकरे, विनोद ठाकरे, तबला वादक सुभाष गोबाड़े, आर्गन मास्टर मोहित सहारे आदि कलावंत उपस्थित थे। कारागृह की ओर से प्रमुख उपस्थिति में रविन्द्र जगताप, वरिष्ठ जेल अधिकारी सुनील वानखेड़े, जेल अधिकारी विठल पवार, जेल अधिकारी ललित मुंडे, जेल शिक्षक देवाजी फलगे सुभेदार उपस्थित थे। कार्यक्रम का प्रास्ताविक वीरेंद्र मेश्राम ने करते मान्यवरों का परिचय और कार्यक्रम का उद्देश्य कथन किया। अधीक्षक भाषण से कारागृह के प्रभारी अधीक्षक वैभव आद्रम ने बंदी बांधवों को अंधश्रद्धा और व्यसन से अपना जीवन नष्ट न करते स्वयं के जीवन में सुधार लाए और समाज में सम्मान से जगे ऐसा आह्वान किया। अध्यक्ष के मार्गदर्शन के बाद उपस्थित पथनाट्य कलाकार के चमू ने तबला वादक और आर्गन मास्टर इनके जुगलबंदी में व्यसन के दुष्परिणाम, किसान आत्महत्या और पर्यावरण संतुलन बंदी सुधारना इस विषय पर महत्वपूर्ण और समाज के बोल के चित्र निर्माण करने वाले पथनाट्य पेश कर बंदी बांधवों में जन जागृति की। इस समय बड़ी संख्या में कारागृह के बंदी बांधव और बंदी बहनों ने पथनाट्य देखने के लिए उपस्थिति दर्शाई। उक्त कार्यक्रम का सूत्र संचालन जेल शिक्षक ललित मुंडे ने किया तो कार्यक्रम की सफलता के लिए शिवराम सवड़े सूबेदार, मंगल सिंह पवार सिपाही, विपिन मेश्राम सिपाही इनके साथ अन्य कारागृह कर्मचारियों ने प्रयास किए।